ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन सीएसएस फ्लेक्सबॉक्स। मेरा नाम साद है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन सेंटर आइटम्स इन बॉडी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। ये क्विक ट्यूटोरियल होने वाला है और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको फ्लेक्सबॉक्स की बेसिक्स आती है। फ्लेक्सबॉक्स के रिलेटेड ऐसे क्विक ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो लाजमी देखिएगा। और फ्लेक्सबॉक्स रिलेटेड अगर वीडियो सीरीज चाहिए जिसमें यू कैन लर्न फ्लेक्सबॉक्स इन जस्ट 3 वीडियोस, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Make sure to like, comment and subscribe to the channel so you don't miss out. अब शुरू करते हैं वीडियो को। कोई भी चीज़ हमने सेंटर करनी है तो उसके लिए हमें अवेलेबल स्पेस चाहिए होती है फॉर आर फ्लेक्स आइटम्स। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल ब्राउजर में दिखाता हूँ। अभी इसको मैं बॉर्डर दूँ तो आप देखेंगे कि ये बॉर्डर इस आइटम के कॉन्टेंट के अराउंड है। तो इसको मैं जस्टिफाई कॉन्टेंट लगा भी दूँ तो इसने कहीं भी मूव नहीं करना, एज इसके पास अवेलेबल स्पेस नहीं है मूव करने की। हमने पहला काम जो करना है वो देखना है कि इसको स्पेस देनी है। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पजेज मैंने इसके कंटेनर को इनलाइन फ्लेक्स किया हुआ था, जिसकी वजह से स्पेस नहीं मिल रही थी। अब मैं इसको इनलाइन फ्लेक्स से फ्लेक्स करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने की स्पेस मिल गई है। तो इसको मैं जस्टिफाई कॉन्टेंट की प्रॉपर्टी लगाऊंगा और वैल्यू दूंगा सेंटर की। हमारा ये आइटम अब सेंटर हो गया है क्योंकि इसके पास अब स्पेस है इस डिव के अंदर मूव करने की। और ये याद रखें कि हमारा जस्टिफाई कंटेंट या कोई भी फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टी हो वो अपने मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस पर डिपेंड करती है। ये क्या है और इनको हम कैसे डिटरमिन करते हैं, इसका फुल एक्सप्लेनेशन मेरी फ्लेक्स बॉक्स के फ्री कोर्स में है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अब अगर हम देखें तो हमने अपने इस मेन डिव को वर्टिकली अलाइन करना है। मैं इसको खुद नहीं वर्टिकली अलाइन करवा रहा, एस आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए हमारा ये बॉक्स डिव नहीं हो सकता क्योंकि इसके पेरेंट डिव के पास वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए स्पेस नहीं है टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो अगर मैं बॉडी को टारगेट करूं और उसको लगाऊं कोई बॉर्डर तो ये अभी कॉन्टेंट जितनी विड्थ ले रहा है। हमने इसको लगाना है हाइट 100 VH ताकि ये पूरी स्पेस कवर कर ले और हमारे आइटम को स्पेस मिल जाए टॉप टू बॉटम मूव करने की। तो आप देखेंगे कि बॉडी के पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों जगह पर स्पेस अवेलेबल है। हम लगाएंगे बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके लगाने से हमारा मेन डिव बन गया है फ्लेक्स आइटम टू द बॉडी, जो इसका पेरेंट कंटेनर है। लेकिन ये डिव अभी भी बॉक्स का फ्लेक्स कंटेनर है, इधर नेस्टेड कंटेनर्स की बात आ जाती है। तो इसको वापस फुल विड्थ करने के लिए मैं फ्लेक्स की शॉर्ट हैंड वैल्यू यूज करूंगा और इसको दे दूंगा वैल्यू 1 की, जो बेसिकली फ्लेक्स ग्रो को सेट कर रही है 1 पर, फ्लेक्स श्रिंक को सेट कर रही है 1 पर और फ्लेक्स बेसिस की वैल्यू सेट कर रही है ऑटो पर। इससे हमारा पेरेंट डिव जो बॉडी के लिए फ्लेक्स आइटम है वो वापस अपनी पूरी विड्थ कवर कर रहा है। अब चूंकि हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो है तो हमारा क्रॉस एक्सिस जाएगा टॉप टू बॉटम और हमने टॉप टू बॉटम सेंटर करना है फॉर द इंडिविजुअल आइटम। तो हम उसके लिए अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसको वैल्यू दे देंगे सेंटर की। अब ब्राउजर में देखें तो हमारे आइटम्स सेंटर हो गए हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली और हमने साथ साथ कॉन्सेप्चुअली भी देखा कि हाउ दीज फ्लेक्स आइटम्स बिहेव। अगर फुल फ्लेक्स बॉक्स का इंट्रोडक्शन, फ्लेक्स कंटेनर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, मेन एक्सिस, क्रॉस एक्सिस और तमाम फ्लेक्स आइटम्स की डिटेल समझनी है तो पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छी लगे।